दोस्तों नमस्कार। दोस्तों रात के अभी 9 बजने को आए हैं और अभी हम लोग जो हैं जोधपुर से बाड़मेर की तरफ आ रहे हैं और हम लोग जैसे ही बाड़मेर शहर के अंदर हमने प्रवेश किया है तो आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि आप लोग इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि एक सड़क है और सड़क के बीच बैरिकेड लगे हुए हैं, जाली लगी हुई है और ऊपर रोड लाइटें आपको नजर आ रही है। दरअसल ये रोड लाइटें रात में जलने के लिए होती हैं, लेकिन यहाँ सिस्टम कुछ उल्टा है। ये रोड लाइटें कभी कभी आपको दिन को जलती हुई नजर आएगी, लेकिन जब जरूरत रात को होती है तब आपको ये जलती हुई नहीं दिखेगी। ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पर लाइट नहीं है, लाइट की कटौती है इसलिए रोड लाइटें नहीं जल रही है। इसका भी मैं आपको उदाहरण दे दूं, क्योंकि मेरे सहयोगी आपको दूसरी तरफ दुकानों में जल रही लाइटें दिखाएंगे। यहाँ जो कुछ दुकानें हैं या घर हैं उन सब में लाइटें जल रही हैं, लेकिन रोड लाइटें बंद हैं। अब गलती किसकी है, क्यों नहीं जल रही है, ये तो ये ही जाने, लेकिन हम लोग इतना जरूर जानते हैं कि नेशनल हाईवे वालों ने या सरकार ने या इनके विभाग ने, इनके मंत्रालय ने रोड लाइटें इसलिए लगाई हैं क्योंकि शहर के अंदर आप जब प्रवेश करते हैं तब वहां पर ज्यादा यातायात रहता है, गाड़ियों की आवाजाही रहती है, यहाँ पर लोगों का आवागमन भी होता है और बीच में बैरिकेड होने की वजह से यहाँ पर कुछ दिखता भी नहीं है। ऐसे में लाइटें जरूरी होती है और ये आज की समस्या नहीं है कि आज ही बंद है या फिर बाड़मेर की समस्या नहीं है कि सिर्फ बाड़मेर में ही बंद है। आपको कहीं कहीं पर जगह जगह पर इस प्रकार की आपको तस्वीरें देखने को जरूर मिलेंगी। अब इसमें सबसे खास बात या फिर यूं कहें कि अच्छी बात यह है कि आपको इक्विडिप की जो लाइट है वो जलती हुई जरूर नजर आ रही है। आप देखिए ये लाइटें इक्की दुक्की जो है वो आपको जलती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीच बीच में आपको दूर दूर तक सब लाइटें बंद नजर आएगी। अगर बात जैसलमेर से अपन बाड़मेर में एंटर करते हैं उस हाईवे की बात कर लो, चाहे गुजरात की तरफ से चौड़न की तरफ से जो हाईवे बाड़मेर शहर के अंदर आता है उसकी बात कर लो, या फिर सिंधरी की तरफ जाता है उसकी बात कर लो, और जोधपुर से तरफ जो आता है वो तो आप देख ही रहे। मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस वीडियो को महज शेयर कर दें और शेयर करते समय टैग कर दें सरकार के तमाम नेताओं को, अधिकारियों को। अगर आपको टैग करना समझ में आ रहा है तो ठीक है, तो शेयर कर दीजिए। और आप क्या सोचते हैं इस प्रकार की लापरवाही को लेकर, ये भी कमेंट में जरूर कीजिएगा। हम लोग ये तस्वीरें बार बार आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि वो सरकार की आंखों तक ये पहुंचे कि साहब यहाँ पर जो लोग लगे हुए हैं वो लाइटें चालू क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या इनमें कहीं कमीशन वाली बिल वाली कोई मामला सेट तो नहीं है। ये हम नहीं कहते हैं, जब हमने एक बार इसका पता करने की सोची तो ये बात सामने आई कि ये लाइटें जो है अधिकतर बंद रहती है और इसका कुछ मामला इस प्रकार का सेट होता है जिससे उनके जेब गर्म हो जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं है तो साहब सही नहीं क्यों नहीं करवा रहे हो, ये लाइटें बहुत जरूरी हैं और अगर सही नहीं करवाते हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिर इस प्रकार की लाइटें कब ठीक होगी, कब ये सब कुछ सही होगा। अभी आपने हम आपको सोचिए कि उत्तरलाई ब्रिज से जैसे ही उतरते हैं और वहां से लगा करके अब आंचल सिनेमा आने वाली है, लेकिन इसी बीच हमें 3 या 4 लाइटें जरूर जलती हुई नजर आई और टोटल लाइटों की अगर बात करें तो ये 1000 से तो ज्यादा होगी ही होगी। अब आप रेशियो क्या है लाइटें चालू रखने का और कितनी बंद रहती हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे, और लाइटें कटौती है, विद्युत की कटौती है ये भी आप नहीं कह सकते क्योंकि आपके आसपास ये लाइटें जलती हुई नजर आ रही हैं, और ये भी नहीं कह सकते कि भाई अभी जो जल्दी है इतना जल्दी हम लाइट नहीं जला सकते। तो मैं आपको बता दूं कि अभी रात को 9:30 बजने को आए हैं, तो 9:30 बजे अगर लाइटें शुरू नहीं करोगे तो साहब अंधेरा कब होगा जब आपको ये लाइटें जलाने की याद आएगी। अब कुछ और लाइटें भी आपको जलती हुई नजर आ रही है, मैं हमारे जितने भी दर्शक है उनसे एक अपील करना चाहूंगा कि हमने जब भी इस प्रकार की खबरें की तो आप लोगों ने उस खबर को आगे से आगे पहुंचाया, शेयर किया है, तो इसको भी कर दीजिए ताकि उन लोगों तक तो ये कम से कम खबर पहुंचे कि हमारे जो नीचे काम करते हैं कर्मचारी हैं वो कैसी कैसी लापरवाहियां कर रहे हैं। अगर लापरवाहियां कर रहे हैं या कुछ और मामला सेट है वो तो वही जाने, लेकिन लाइटें बंद है ये हम सब जानते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।